गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे टूर का डे 3 और सुबह के 8 बज रहे हैं। कल ट्रेजेडी ये हुई कि हम जब ये थ्रोट की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे तो एक तो बारिश की वजह से रास्ता गीला था, कीचड़ था, बाइक स्लिप हो रही थी। और दूसरी ट्रेजेडी ये हुई कि बाइक ने हमारा साथ छोड़ा और क्लच प्लेटें उसकी ख़त्म हो गई। और वैसे मुकाम पे ख़त्म हुई जहाँ पे हम हेल्पलेस थे। फिर ऐसा है कि खुदा की जब मदद आती है तो वो आपको पता भी नहीं चलता, और गैबी तरीके से आपकी मदद हो भी जाती है। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। ये भाई हैं जो वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, घोड़े वगैरह पकड़ रहे थे, अपने घोड़े वापस ला रहे थे पहाड़ों से। तो इन भाइयों ने हमारी फिर मदद की, हमें लेके आए नीचे, सामान वगैरह सारा उठाया, बाइक सही करवाई। इसके अलावा फिर ये हमें रूम रहने को दिया। ये रूम चेक करें। और सिर्फ इतना नहीं, रात को हमारे लिए खाना भी बनवाया। और अब हमें शाही बाग भी घुमाने ले जा रहे हैं। शाही बाग यहाँ अतरोड में एक जगह है घूमने के लिए, और इनके मुताबिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हमने तो अभी तक वहाँ पे विज़िट नहीं किया। और बकौल इनके के कुम्हरार से ज़्यादा वो डिज़र्व करती है टूरिस्ट, और वहाँ पर टूरिस्ट आते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो। तो अभी जाएंगे, उसको विज़िट करेंगे, देखेंगे उसके क्या व्यूज़ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर आज फिर हम कोशिश करेंगे यहीं अतरोड की चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए, जो दश्ते लैला की तरफ जाती है ये रास्ता। दश्ते लैला है ना ऊपर टॉप पे, दश्ते लैला की तरफ जो रास्ता जाता है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से आज वहीं पे चढ़ाइयाँ चढ़ें। लेकिन उससे पहले बाइक की कंडीशन चेक करेंगे जाके कि बाइक के क्या हालात हैं। तो अभी हम रेडी हैं। आमिर साहब फ्रेश नहीं हो रहे? आमिर पानी बहुत ठंडा है भाई। निकलें फिर। अभी स्नैन ने मला हुआ बाथरूम, उसको टाइम लगेगा। क्या कहना चाहोगे कल तुम भाइयों के बारे में? भाइयों ने बहुत अच्छा जो है वो हमारे साथ सलूक किया है, और अल्लाह पाक इनको अजर देगा। आमीन। और इसके अलावा जितनी ऊंचाई से ये हमें लेकर नीचे आए हैं, दिल तो बड़ा दुखा था कि जाते वक्त 4 घंटे लगे थे, आते वक्त आते दस वक्त मिनट सिर्फ 10 मिनट लगे हमें। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से आज मेहनत करेंगे, फिर फिर चढ़ेंगे। चढ़ेंगे। तो जी अतरोड से हम लोग निकलने लगे हैं, और ये वहाब भाई जा रहे हैं बैग लेके, ये याकूब भाई हैं, वो सुल्तान साहब हैं, और ये सलामुद्दीन है जिनका हसैन है। ये यहाँ के लोकल हैं, और इन्होंने रात को जो हमारी मदद की थी, स्टे करवाया था, इन्होंने बहुत खिदमत की है। अल्लाह इनको जज़ाओ खैर अता फरमाए। ये है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम निकलने लगे हैं दोबारा कुमराह की तरफ। यहाँ से उस पहाड़ के ऊपर हमने जाना है, वो ऊपर है दश्ते लैला। दश्ते लैला के बाद नीचे उतराई हैं, तो दश्ते लैला तक चढ़ाई हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खैर और आपके अच्छे होगा। तो चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह, जी सफर लाना आज़ा माखन ला मुकरमीन वाइन ला रबी ला मुकरम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल हैं वो बाइक हेलीकॉप्टर की तरह चलाते हैं, उड़ा रहे होते हैं। आगे आपको नज़र दिया देता है। हमसे सब कुछ उठा लिया ना। नॉर्मल चढ़ाई है, आगे जो है वो इससे ज़्यादा खतरनाक और ऊँची है, तो आगे हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमजा आ रहा है जी, लाला जा रहा है, तो उम्मीद है कि ओ बिस्मिल्लाह रहमान। तो फाइनली जी हम आ चुके हैं आसमानी मोड़,
आसमानी मोड़ पे आ चुके हैं और गिरते पड़ते चढ़ाइयाँ मुश्किल से चढ़ चुकी हैं। अब्दुल वहाब भाई का बहुत शुक्रिया कि ये हमें यहाँ पे लेके आए, और भजन आपका शुक्रिया, हमें लफ्ज़ों में तो आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, लेकिन अल्लाह आपको इसका अजर अदा करे। जितना हमसे होता है अपना मेहमानों के साथ करते हैं, वो टेंशन नहीं है। और ये भाई है हमारे साथ शहनशाह, भजन आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, हमें यहाँ तक लेके आए। अभी यहाँ से जी है जो दश्ते लैला टॉप है, जहाँ से फिर दोबारा उतराइयाँ आती हैं, दो चढ़ाइयाँ और हैं, दो तीन चढ़ाइयाँ आगे, दो तीन चढ़ाइयाँ और हैं। और तो ये अब आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, ये चक्कर है जी, तो जी आसमानी मोड़ से अब हम निकलने लगे हैं दश्ते लैला की तरफ, तो इंशाल्लाह एक चढ़ाई आएगी, चलें जी, एक चढ़ाई और ऐसी आएगी जहाँ पे उतरना पड़ेगा, बाद में फिर आसानी है, चलें जी। जी एक बार फिर से चढ़ाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि जहाँ से मुझे पैदल ट्रैक करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सांस चढ़ जाता है, पानी की बोतल आप अपने पास रखें तो ओके है, आप ऊपर बादल चेक करें या साथ ही जंगल चेक करें और नीचे उतराइए, और मेडोस में घोड़े फिर रहे हैं तो इस तरह के खूबसूरत मनाजिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। और वो रहा टॉप, वो टॉप है, चलें भाई, तो फिर मसला पड़ गया। के मनाजिर क्या खूबसूरत यहाँ की जगह है, कल तक बहुत डीमोटिवेटेड थे हम, लेकिन फिर मोटिवेटेड हुए, यहाँ के लोकल्स ने हेल्प की, और ये व्यूज़ देख के वो सारी थकावट, वो सारी टेंशन, वो सब दूर हो चुकी है। Eyes on my display, you say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. You're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them, we don't need them, so can we just slow down, the only thing I'll do is lay here. अरे शुरू हो चुका है और बाइक पंचर हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, वो सामने दश्ते लैला है और वो टॉप है, और वहाँ मुझे अब पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ पे बाइक पंचर हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जी आधा किलोमीटर तकरीबन चलने के बाद ये एक पॉइंट आया, यहाँ वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर चलते हैं। अगर वो जीप वाला मेरे जाने तक वहाँ रुक गया तो उसे लिफ्ट मांग लेंगे, नहीं तो फिर वो ऊपर पैदल। चलो यहाँ बैठते हैं, सांस बहाल करते हैं, फिर देखते हैं दोबारा क्या होता है। ये बाइक खड़ी हुई है, जगह पंचर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। ओके लाला, ये सही हो गई है, ये जी हट में आके थोड़ा सुकून मिला है, हाँ तो सीखते हैं यहाँ पे। और ये भाई हैं यहाँ पे, छोटे छोटे काम शाम कर रहे हैं, क्या लाते हैं, आटा गूंद रहे हो,
यहाँ पे आते हैं, ये कैंप आपने लगाए हुए हैं लोगों के लिए? जी। यहाँ रहते हैं लोग आके? जी। और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा पपी भी रखा हुआ है, वो देखेंगे वो अंदर सोया हुआ है। तो कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। फाइनली हम तकरीबन टॉप के करीब हैं, और ये अखनौर टॉप है। वो सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो वो सामने कैंप वगैरह लगे हैं, गाड़ियाँ तीन जीपें पड़ी हैं। यहाँ तक सिर्फ चढ़ाई है, इसके बाद फिर आगे जितनी भी है उतराइयाँ हैं, और वो सीधा कुमराट को जाती हैं। आधे पौने घंटे या एक डेढ़ घंटा लगेगा कुमराट जाने में। यहाँ हम कुछ स्टे करेंगे, खाना छाना खाएँगे, ये जो लोकल हमारे साथ हैं तो खाना खिलाएँगे इनको, फिर यहाँ से रवाना करेंगे। आगे का सफ़र फिर हम चरम कंटिन्यू करेंगे। तो रास्ते यहाँ के देख रहे हैं आप, और हालात यहाँ के बहुत टाइट हैं। बाइकर हजरात के लिए बता रहा हूँ कि बाइकर अपना हिसाब किताब लगा के हैं, वाइप भी आ रहा है तो वो आ जाएगी आराम से। वाइप भी अच्छा मोटरसाइकिल, अच्छा बाइक है, ब्रेकें भी अच्छी हैं, उसकी ग्रिप भी अच्छी है। 125 बहुत मुश्किल से आएगा, अगर 125 का आपका काम नहीं हुआ या कुछ भी ख़राब है बहुत तंग करेगा। यहाँ पे इवन पंचर भी हो जाए तो भी बहुत परेशानी है। और वो बॉयज़ लोग खड़े हैं, कौन खड़ा है दोनों गर्ल्स, तो ये है जो मामला। फाइनली वी आर एट टॉप, और उम्मीद है आज हम घाट पहुँच जाएंगे। खैर अगले से हैं, मैंने कहा शायद आपको कोई बालू मिल गया रास्ते में। बालू ऐसे ही पड़ा है। तो जी फाइनली अब हम कुमराट के लिए राइडिंग शुरू करने वाले हैं। ये टॉप है जी, बरगोई टॉप से ऊपर वाला टॉप है, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, होटल यहाँ पे मौजूद है, वॉशरूम भी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको बेसिक रिक्वायर्ड होंगी। ये टॉप है जी, ये टॉप, ये चेक करें माउंटेन्स, सूर्य निकला हुआ है, बड़ी खूबसूरत धूप है, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से हम राइट स्टार्ट करेंगे कुमराट के लिए, और जब आप आते हैं तो आप वहाँ से आते हैं, और कुमराट के लिए आप वहाँ से फिर जाएंगे, और फिर सारी उतराइयाँ हैं। उतराइयों के बाद फिर आधा पौना घंटा या एक घंटे का आई थिंक सो राइड होगी। तो आज उम्मीद करते हैं कि कुमराट पहुँच ही जाएंगे और वहाँ पे कैंपिंग कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह जाजवांडा का प्लान है, बट लेट्स सी, ये कुमराट पहुँचने पे डिसाइड होगा। यहाँ से हम मूव करने लगे हैं, सामान पैक हो चुका है, तो चलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। जी टॉप से हम होने लगे हैं रवाना कुमराट की तरफ। तो ओके लाला, अस्सलाम वालेकुम लाला, सुभान अल्लाह जी, सबर लाना हाजा मकम लाला वरना लारबी लाना। तो ये थी जी फाइनल चढ़ाई, अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और कुमराट की तरफ जाएंगे। तो आमिर भैया मेरे ख्याल से चढ़ आए हैं, तो कुछ
जी तकरीबन हमने तमाम तर ये जो ढलान थी, जो उतराइयाँ थी, वो हमने कर ली हैं। वो दरिया बह रहा है, आई थिंक सो कुमराट को ही जा रहा है ये दरिया। सुनैन पैदल आ रहा है क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब था और हम पत्थरों के ऊपर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते कि बाइक में कोई भी फॉल्ट आए, कोई पंचर हो और हमारे फिर टाइम और पैसा ज़ाया हो, तो इसलिए हम एहतियात से आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा आप भी एहतियात से आएँ। चलें, चलो जी, बिस्मिल्लाह। आई थिंक पहुँच गए हैं, वो देख दरिया नीचे साथ ही है, उतराइयाँ हो गई हैं मेरे ख्याल से। लग तो रहा है कि पहुंचने वाले हैं। आ गया जी सरीना होटल कुमराट, वेलकम टू। हाँ जी, मतलब ये पूरी कुमराट वैली है, थल एक चौंक है उसमें। सलीम को कॉल करी है। जिस तरह से हम पीछे रुके नहीं हुए थे, वो पूरा थ्रोवर था जिसमें कई टॉप आए हैं, बड़े कोई टॉप रस्ते लगा वगैरह वगैरह। इस तरह ये पूरा कुमराट है, कुमराट का जंगल, जंगल और पहाड़ सारे। जी बड़े बड़े पत्थर और ये इतनी बड़ी आबशार क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। आमिर भाई ने अभी बड़ी मुश्किल से ये रास्ते में अटक गए थे वो भाई, इंशाल्लाह हेलो। हाँ जी चले जाएं, क्या हाल है आपके? ठीक है, यहाँ के जानवर भी मज़े के हैं भाई, अपनी मर्ज़ी से पहाड़ों पे जाते हैं, चारा चूरा खा के नीचे आ जाते हैं वापस। कभी कभी ये पत्थर हेल्प भी करते हैं, सम स्टॉर्म्स आर गुड। वो गाय भैंस हो गई उस पर देखा रास्ते क्या बच्चा होगा। ये कैसे क्रॉस करना है? आमिर वहां से इधर हो जाना, लेकिन मुश्किल है यार। Thank you.
ये हैं जी कुमराट वैली के घने जंगल, लेकिन अभी हम थल से कोई 10-20 मिनट पीछे हैं। हम जाके थल में स्टे करेंगे, कल सुबह देखते हैं कुमराट वैली को। और वो मेरे पीछे जनाब देख सकते हैं आप, हसनैन आ रहा है वहाँ पे, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और नुकीले पत्थर पड़े हैं। हम नहीं चाहते कि हम रिस्क लें बाइक पंचर होने का। पंचर हो गई तो हमें यहाँ पे पंचर लगाते एक घंटा लग जाएगा और रात पड़ जाएगी और ख्वारी हो जाएगी। और इस घने जंगल में रात होना मतलब हाय सीन ऑफ। तो बस असनैन आ गया, अब मूव करते हैं यहाँ से, चलते हैं थल कोई होटल देखते हैं। आज बहुत थकावट हो चुकी है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द क्योंकि वो पैदल चला हूँ, बाइक पंचर होगी। जब बाइक पंचर हुई तब तेज़ हवाएं थी, फिर पैदल चल रहा था तो बारिश आ गई, फिर 5 मिनट बाद धूप आ गई, तो इस वेदर ने ना तबीयत ख़राब कर दी है। खैर एनी हाउ चलते हैं होटल, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। रुक जाती है, समझदार है क्या, गेयर निकाल दिया मैंने सर। पाकिस्तान वाली सड़क में भी, पाकिस्तान ये तुम ऑस्ट्रेलिया आए हुए हो, गरीब गाड़ी में बचती है ये भी कबीर गाड़ी में बचे, गाड़ी में नहीं मर रही है। रेस पे चल रही है तो आई थिंक सो जी कि हम थल पहुंच चुके हैं। ये सामने मेरे ख्याल से ये थल ही है क्योंकि जीपें वगैरह यहीं पे पार्क हुई हैं और नीचे काफ़ी होटल्स नज़र आ रहे हैं हमें। होपफुली कि ये थल होगा। हाँ ये थल चौकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला? ठीक हो? थल जी, थल थल ये गाड़ी नहीं जा रही। हाँ नीचे चल जाए, शुक्रिया। शॉप भी है, गुड ओके। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, याद आ रही थी तुम्हारी, आ जाओ। ओह शहर है ये तो, ये तो शहर बाद है आगे। टाइम क्या बचना है तो जी, 12 बजे हम चले थे अतरोड से और 8 बजे हम पहुँचे हैं थल। थकावट, सर दर्द, भूख थोड़ी बहुत, काफ़ी बड़ा बाजार है यार ये तो। सुबह जो आते हैं वो कुमराट जाते हैं। ये भी आगे ही रही है हमारे। अच्छा होटल पता करें? नहीं, बस आगे रही है, लाइट आप आ जाए।